दूसरी तरफ केंद्र सरकार से दामों में कटौती के बाद उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत मिली है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम 12-12 रुपए कम किए गए, तो वहीं सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल भी सस्ता हुआ है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। पेट्रोल डीजल और खाद्य तेल के दामों में कटौती की गई है केंद्र सरकार की ओर से। जो कटौती की गई उससे लोगों को राहत मिली है। पेट्रोल डीजल के दाम कुल 12-12 रुपए कम किए गए, सरसों और रिफाइंड ऑयल के दाम भी कम हुए, और पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 2 रुपए सस्ता। खाद्य तेल के दामों में भी कटौती से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। दो तस्वीरों के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई से किस तरह लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की ओर से। सरसों और रिफाइंड ऑयल के दाम भी कम हुए हैं। पेट्रोल उत्तराखंड में 5 रुपए और डीजल 2 रुपए सस्ता हुआ है, और इसके अलावा खाद्य तेल के दामों में भी कटौती की गई है, जिससे लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की ओर से। चलिए, अब हमारे साथ हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अंकित साहब भी जुड़ गए हैं। अंकित साहब का रुख कर लेते हैं। अंकित, एक और केंद्र सरकार ने कोशिश की है कि लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दी जाए, फौरी राहत देने की कोशिश भी की गई, दाम भी कम किए गए पेट्रोल डीजल या खाद्य तेल की अगर बात कर ले तो, लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। किस तरह का प्रदर्शन होगा हल्द्वानी में और क्या उसकी तैयारी है? देखिए कौशल, आपको बता दें कि आज प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। जिस तरह से आपको बता दें कि जो महंगाई के रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और 2022 चुनाव नजदीक है, तो कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। वहीं बात करें, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई थी, भले ही प्रदेश सरकार ने कटौती करी, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो वृद्धि करी हुई है सरकार ने, उसमें और कमी लाए, और अगर जल्द इसमें कमी नहीं लाती तो प्रदेश सरकार खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। और वहीं आज बता दें कि प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हल्द्वानी में भी यहां प्रदर्शन होगा और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का उग्र आंदोलन देखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस उत्तराखंड में, हर शहर में, हर जिले में प्रदर्शन होगा। आगे बढ़ते कोटद्वार से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एनटीसीए की रिपोर्ट पर वन मंत्री ने सवाल उठाए हैं। एनटीसीए ने गलत रिपोर्ट तैयार किया, ये कह रहा है वन मंत्री हरक सिंह रावत का। टाइगर सफारी की आड़ में हजारों पेड़ काटने का आरोप लगाया है। और मामले में एनटीसीए ने पोखरी रेंज से रेंजर को भी सस्पेंड किया, और मामले की दोबारा जांच में सच आएगा सामने। हरक सिंह रावत ने यह बयान दिया और उनका मानना है कि जब अब दोबारा इसकी जांच की जाएगी तो पूरी तस्वीर साफ होगी। जांच, अगर जांच होती तो जांच प्रभावित न हो इसलिए निलंबित किया गया। बाकी कोई वो कोई निलंबन कोई सजा थोड़ी है, निलंबन कोई अपराध थोड़ी है। निलंबन से ये साबित थोड़ी होता कि साहब उसने कोई गलती करी है। जांच हो जाएगी, जांच में अगर कोई तथ्य नहीं आएगा कि केवल एनटीसी की जांच कोई अंतिम जांच थोड़ी है।